नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग डिफेंस से रिलेटेड एक चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में ये खबर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे ये कौन से 4 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं, थिएटर कमांड्स क्या होते हैं, और अगर थिएटर कमांड हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इज देयर एनी यूज, डज इट मेक सेंस। इसको दोनों पहलू से हम लोग देखेंगे कि थिएटर कमांड क्यों सेंस करते हैं, यानी कि इसकी डेवलपमेंट अच्छी क्यों है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है हमें इन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को डेवलप करने। साथ ही साथ हम लोग पहलू भी देखेंगे यहाँ पे आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, कि उनका क्या रवैया है इन थिएटर कमांड्स की डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए वो जानने के लिए ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है हमारी धारणा, हमारी बिलीफ सिस्टम। क्या है हमारी बिलीफ सिस्टम? कि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है उसके 3 विंग है। बिल्कुल, एक तो इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, करेक्ट। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो 3 विंग्स है, 3 सेपरेट विंग्स है। ये तो हो गई मैरिटाइम विंग, यानी कि जो पानी में, सीज, ओशंस पे काम करती है। ये हो गई आपकी एयर वाली विंग और ये हो गई आपकी लैंड वाली विंग, राइट, इंडियन आर्मी। और बहुत हद तक यही होता भी है, यानी कि काफ़ी कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्किंग चलती है इन तीनों की भी। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी के 3 कमांड सेंटर्स हैं। कमांड सेंटर मतलब जहां से पूरी नेवी को आप कमांड कर सकते हो, 3 सेंटर्स है इंडिया में। एयरफोर्स के 7 सेंटर्स हैं, आर्मी के 7 सेंटर्स हैं, तो कुल मिलाकर 17 कमांड सेंटर्स हैं इंडिया में। और कोई भी कमांड सेंटर ऐसा नहीं है कि कॉमन कमांड सेंटर बनेगा, तो कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्किंग चलती है बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग आजकल के थ्रेट्स की बात करें, न्यू एज प्रॉब्लम्स की बात करें, न्यू एज थ्रेट्स क्या हो चुके हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर तो है ही, कन्वेंशनल वॉरफेयर मतलब जो हम लोग आर्मी से लड़ते हैं, नेवी या फिर एयरफोर्स, ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा भी और भी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन गलत फैलाना, नेवल फोर्सेस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, या फिर आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन। एंड क्लासिकली चाइना यूजेस हाइब्रिड वॉर स्ट्रेटजी अगेंस्ट एवरीबडी, नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडिया। तो चाइना इज नोन फॉर दिस हाइब्रिड वॉरफेयर। कुछ दिनों पहले फॉर इंस्टेंस आपने जरूर सुना होगा स्कॉर्पिन जो सबमरीन डेवलपमेंट चल रही है उसका इन्फॉर्मेशन लीक हुआ था। दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग्स लाइक फॉर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, और साइबर वॉरफेयर भी आ चुका है। साइबर वॉरफेयर मतलब ये जो 3 सेपरेट विंग्स है, फॉर इंस्टेंस समझिए अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अगर एयरफोर्स की कोई सिस्टम हैक हो गई, एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट हैक हो गया, उसको यूज कर इन्हीं पर अटैक किया जा सकता है, एन एग्जाम्पल। तो इसी के चलते एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हमें खुद भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ को या फिर हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होती थी, ऑल दो आप आर्ग्यू कर सकते हैं नहीं सर बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस भी होती है, यस टू सम एक्सटेंट यस, बट अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन मेंटेन है, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। ऑल दो अगर हम लोग रिसेंट की कुछ रिफॉर्म्स की बात करें, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ चुके हैं, बिपिन रावत इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग द कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर से लड़ने के लिए, नई थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हमें नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी, और उसी तरह की एक स्ट्रैटेजी है ये, दैट इज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, राइट। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है 4 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को डेवलप करने की। अब सवाल ये उठता है ये थिएटर कमांड होते क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी वर्टिकल स्प्लिट है हमारी आर्म फोर्सेस की। मैंने आपको बताया कि 7 एयरफोर्स की कमांड सेंटर है, 7 आर्मी की कमांड सेंटर है और 3 नेवी की कमांड सेंटर है, लेकिन वर्टिकली स्प्लिट है, कहीं पर भी आपको ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको कोई कॉमन लोकेशन भी नहीं मिलेगी इन तीनों की। लेकिन अभी ये जो थिएटर कमांड है
ये वही करता है, इन तीनों को एक जगह पे लाता है। थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पे सारी मिलिट्री की एसेट, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, एक जगह पे लाई जाएगी, एक कमांड के अंदर लाई जाएगी। टू पुट इट सिंपली, एकदम सिंपल टर्म्स में, आपको इट विल बी कमांड सेंटर, एक कमांड सेंटर होगा जहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के एसेट्स रहेंगे अंडर अ सिंगल मिलिट्री कमांडर। आपको ध्यान रखना है जो कमांड सेंटर लीड करेंगे, इट विल बी अ सिंगल कमांडर। नाउ दैट कमांडर मे बी फ्रॉम एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी। अगेन दैट इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया थिएटर कमांड क्या होता है, राइट? अब सवाल ये उठता है, क्या ये नया आइडिया है, थिएटर कमांड बनाने की कोई नई आइडिया है क्या, नॉवेल आइडिया है क्या? द आंसर वुड बी नो अगेन, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी कुछ सेंट्रल या फिर थिएटर कमांड से जॉइंट कमांड से, जैसे कि एक है अंडमान एंड निकोबार कमांड। अब यहां पे आपको एएनसी में एयरफोर्स भी मिलेगी, नेवी भी मिलेगी और मिलिट्री भी मिलेगी इन अंडमान एंड निकोबार, और ये शुरू हुआ था 2001 में। अब इसके अलावा एक और भी है हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ऑल दो यहां पे भी आपको लोग मिलेंगे फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल थ्री, बट प्योरली स्पीकिंग एएनसी अंडमान एंड निकोबार एक ही ऐसा कमांड है जो समझ लीजिए तीनों को साथ मिलाता है ऑपरेशनलाइजेशन के लिए। अगर हम लोग एसएफसी की बात करें, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के रिलेटेड काम करता है, और वी नो दैट न्यूक्लियर एसेट्स तीनों जगह पे होने चाहिए, यानी कि आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास और नेवी के पास, तीनों के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं। अब उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए कमांड बनाया गया। तो प्योरली स्पीकिंग केवल एक है अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो ट्राई सर्विस कमांड है ये कह सकते हैं, और ये आया था 2001 में। अब उसके बाद हम लोग 2021 में चार और थिएटर कमांड्स डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, कौन से थिएटर कमांड्स है ये और कहाँ बन रहे हैं? एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है चार कमांड्स का। एक होगा वेस्टर्न थिएटर कमांड जो जयपुर में बनेगा, एक होगा ईस्टर्न थिएटर कमांड जो कोलकाता या फिर लखनऊ में डिसीजन आएगा तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, एक होगा एयर डिफेंस कमांड और एक होगा मैरिटाइम थिएटर कमांड। तो प्योरली ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ईस्टर्न थिएटर कमांड है, यहाँ पे आपको ट्राई सर्विस की सारी एसेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा देयर इज वन एयर डिफेंस कमांड एंड वन मैरिटाइम थिएटर कमांड। अब ये जो चार कमांड सेंटर बनेंगे, इसको अलग अलग कमांडर से चीफ है उनको ऑलरेडी नॉमिनेट किया गया है ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द डेवलपमेंट करें, राइट? अब सवाल ये उठता है कि सर थिएटर कमांड का फायदा क्या है? आप अभी तक तो ये समझ गए होंगे कि थिएटर कमांड में एक जॉइंटशिप जरूर होती है, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिंपली सोच रहे हैं कि थिएटर कमांड एक केवल जॉइंट कमांड है, यानी कि आर्मी के बंदे हैं, आर्मी के एसेट्स है, नेवी के बंदे हैं, नेवी के एसेट्स है, एयरफोर्स के बंदे हैं, एयरफोर्स के एसेट्स है, सब जगह को एक सब चीज़ों को एक जगह लाया गया और एक कमांडर इन चीफ या फिर कमांड एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई, अगर आप ये सोच रहे हैं दी थिंकिंग वुड बी वेरी नैरो। इट इज़ नॉट जस्ट जॉइंटमैनशिप, थिएटर कमांड का मतलब है गोइंग बियॉन्ड दैट। It goes into the realm of technology, technological coordination, strategy coordination. It's all about speed and time. क्योंकि अगर battlefield में ये कहा जाता है कि अगर आप एक गलत decision लोगे तो आप war हार सकते हो, एक दिन में अगर आप पीछे हट जाते हो in the war तो it would be catastrophic for you going into future. तो एक 1 second, 1 minute, 1 day, everything is important in war. अब इसी के चलते तीनों अगर कमांड एक ही जगह पे होंगे, तीनों फोर्सेस की कमांड एक जगह पे होंगी, देयर विल बी मोर एंड मोर कन्वर्जेंस। इनफैक्ट जो आजकल की टर्म चल रही है C4ISR, C4ISR क्या है? कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस एंड रिकॉग्निशंस, इन सब के चलते डिसीजन मेकिंग बहुत तेज हो चुकी है और यही फोकस रहेगा थिएटर कमांड्स का। और जो आजकल के जो हाइब्रिड थ्रेट्स है, जो नए तरह के थ्रेट्स है, वहां पे इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर ही वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे केवल ऐसा नहीं है कि तीनों फोर्सेस के लोग, तीनों फोर्सेस के एसेट केवल ट्रेनिंग करेंगे, नहीं, यहां पे कन्वर्जेंस होगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स शेयर होंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुद और भी ज्यादा इफेक्टिव बनने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर थिएटर कमांड क्या कोई नई चीज़ है, क्या केवल इंडिया कर रहा है? नहीं, अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें 32 से भी ज़्यादा कंट्रीज है जो ऑलरेडी थिएटर कमांड्स डेवलप कर चुके हैं। USA ने डेवलप किया हुआ है, चाइना ने भी डेवलप किया, और भी ऑलमोस्ट 30 देशों ने थिएटर कमांड्स को डेवलप किया है। तो इसी के चलते इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग थिएटर कमांड्स, तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब सवाल ये उठता है सर डिसीजन तो हो चुका है, ग्राउंड वर्क भी चल रहा है,
तो क्या ये इतना आसान चीज है? इज इट वेरी इजी टू अचीव दिस थिएटर कमांड? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि इट इज नॉट वेरी इजी टू अचीव, क्योंकि कुछ फंडामेंटल और कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत दिनों तक हम लोग कंपार्टमेंटलाइज रहे, एक तरफ आर्मी है, एक तरफ नेवी है, एक तरफ एयरफोर्स है। तो एक आर्मी के चीफ रहेंगे, एक नेवी के चीफ रहेंगे, एक एयरफोर्स का चीफ रहेगा, और वो खुद अपनी चेन ऑफ कमांड फॉलो करेंगे। और चेन ऑफ कमांड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन डिफेंस फोर्स, आपको याद रखना है, राइट? अब इमेजिन कीजिए इन तीनों फोर्सेस को, इन तीनों के एसेट में एक जगह पे लेके आया, और एक जो कमांडर चीफ है वो आर्मी का है, राइट? आर्मी का कमांडर चीफ है। तो चेन ऑफ कमांड कैसा होता है कि एयरफोर्स के लोगों को चेन ऑफ कमांड में एयरफोर्स के जो उनके चीफ होते हैं, एयर चीफ मार्शल, राइट, तो वो उनकी सुनते हैं। लेकिन यहां पे अब आपके ऊपर एक आर्मी वाला कमांडर आ चुका है। द क्वेश्चन कम्स, विल देयर बी कोऑर्डिनेशन? आर्मी के लोग तो ओके रहेंगे, बट क्वेश्चन मार्क इज विद रिस्पेक्ट टू नेवी एंड एयरफोर्स। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज जरूर है। इसके अलावा बैटल प्रिपेयर्डनेस इतनी जल्दी आ जाएगी, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, सिमुलेशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल बी गुड, बट बैटल प्रिपेयर्डनेस बड़ी जल्दी आ जाएगी, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत आ सकती है। अब लॉजिस्टिकल इश्यूज कैसी? फॉर इंस्टेंस, से आर्मी को उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी के एसेट्स बहुत ज्यादा है, आर्मी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, आर्मी की जो इक्विपमेंट्स है वो भी ज्यादा है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी विद रिस्पेक्ट टू एयरफोर्स। अब देखिए, एयरफोर्स का जो डिमांड है इंडिया में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एस्टिमेशन इंडिया में कितनी चाहिए, अराउंड 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, ये कहा जाता है इंडिया में। लेकिन इंडिया में अभी फिलहाल 31 स्क्वाड्रंस है, यानी कि इनके पास जो एसेट्स है, जो एयरक्राफ्ट है, जो पायलट्स है, काफ़ी शॉर्टेज में है, काफ़ी कम मात्रा में। इसके चलते अगर आप इसे भी डिवाइड कर दोगे दूसरी दूसरी जगह पे, तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज आ सकती है। द सेम इज द केस विद नेवी, स्पेशली अगर आप एक कमांड सेंटर बनाना चाहते हो, कमांड सेंटर अगर कोस्ट के पास रहेगा तो इट इज मच बेटर फॉर द नेवी। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग डिफेंस फोर्सेज की बात करें, इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, इसन इट? सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स है आईएएस, दे डू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी फिलहाल जो हेड होते हैं, ऑल्दो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बन चुका है, जहां पे जो एक्स सर्विसमैन है, जो ऑफिसर्स हैं, वो खुद ही गवर्नमेंट सेक्रेटरीज बनेंगे। लेकिन इन जनरल जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, दे आर एवर्स टू गिविंग मोर एंड मोर पावर्स टू डिफेंस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स गोइंग इन टू फ्यूचर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, जो रिजर्वेशंस है एयरफोर्स की या फिर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट करनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड और कन्वर्जेंट सिस्टम बने इंडिया में फॉर इफेक्टिव डिफेंस। अब इसके अलावा डिस्कशन एंड करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू देखकर, हु सेज व्हाट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ट्राई सर्विसेज है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो तीनों को एक जगह पे लाया गया है, थिएटर कमांड्स बना रहे हैं, तो किसकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आर्मी तो कहता है ओके, दे आर वेरी हैप्पी विद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्मी की रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो दे आर वेरी हैप्पी विद दिस, नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर आर्मी। बट सबसे ज्यादा रिजर्वेशंस आ रही है एयरफोर्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉजिस्टिकल इशूज और शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट वाली इशूज और चेन ऑफ कमांड प्रॉब्लम तो है ही है, तो एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है। इनफैक्ट बहुत सारे एयरफोर्स के ऑफिसर से वो इस थिएटर कमांड की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हित में नहीं है, वो इसकी आलोचना करते हैं। ऑल दो नेवी थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड पे है, नेवी अभी काफ़ी डिली डैलिंग कर रहा है, लेकिन एक तरफ आर्मी इज ओके विथ इट, एयरफोर्स को ज़्यादा रिजर्वेशन है और नेवी इज स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स इट, बट ग्राउंड वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी रिजर्वेशंस आ रही है आर्मी और नेवी से जल्द से जल्द रिजॉल्व करें और थिएटर कमांड्स को अच्छे से कोऑर्डिनेटेड एंड कन्वर्जेंट वे डेवलप करने की जरूरत है हमारे देश को। आशा करते हैं कि ये होगा जल्द से जल्द, सो दैट हमारे डिफेंस फोर्सेस और भी स्ट्रांग बन जाए। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।